मालिक वो देखो वो देखो। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। उनकी सूची नंबर वन, मैं तो कहता हूं सीट नंबर वन जो है वहां पर उनके प्रत्याशी कौन? नाहिद हसन। कौन? जिन्होंने कईयों के खिलाफ दंगा करने का, अपराधी के मुकदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको संरक्षण देने का काम किया है। यही फर्क साफ है, भारतीय जनता पार्टी में मानदार छवि के अधिकारी तो वहां पर दंगे ही आते हैं, यहां बेदाग आते हैं, वहां दंगे करने वाले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए बार बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। मंच पर बीजेपी के सांसद भी वहां पर बैठे हुए थे, एक बार फिर से सुनिए इसे। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। म्यूजिक। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। आदमी जो लेता है, आदमी जो देता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है।